नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। मरे को जिंदा बताकर कराया दुकान का नामांतरण। कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में जिला पंचायत से लगी दुकान का है मामला। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने नगर निगम द्वारा बनाई गई दुकान के आवंटन में एक दुकान का विवादित होने का मामला सामने आया है। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित दुकान क्रमांक 5, जो कि 1992 में रमेश कुमार पिता प्यारेलाल बहेलिया के नाम दर्ज थी। रमेश कुमार बहेलिया की मृत्यु के बाद किराएदार ने फर्जी दस्तावेज बनाकर दुकान की बिक्री श्रीमती बीना मिश्रा के नाम कर दी। नगर निगम रीवा में मिले दस्तावेजों के मुताबिक 1992 में दुकान नंबर 5 के मालिक रमेश कुमार पिता प्यारेलाल बहेलिया थे, जिनका 1990 के डिमांड पंजी में दर्ज है। नगर निगम के द्वारा सूचना अधिकार के तहत दिए गए दस्तावेज के मुताबिक 14 मई 1996 को रमेश कुमार बहेलिया द्वारा शपथ से सहमत से दुकान नंबर 5 श्रीमती बीना मिश्रा पत्नी बैजनाथ मिश्रा के नामांतरण किया गया। हम आपको बता दें, बैजनाथ मिश्रा उस दुकान के पूर्व में किराएदार हुआ करते थे। उक्त शपथ पत्र को 3 जून 1996 को रत्नेश कुमार द्वारा प्रमाणित किया गया। दुकान नामांतरण को लेकर स्वर्गीय रमेश कुमार बहेलिया के पुत्र जितेन बहेलिया ने दुकान बिक्री व नामांतरण होने को लेकर कहा, मेरे पिता द्वारा दुकान को किराए पर बैजनाथ मिश्रा को दिए थे। बैजनाथ मिश्रा हर माह किराया देते थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने किराया देना बंद कर दिया। जब हमारे द्वारा बार बार बिक्री के दस्तावेज मांगे जाते हैं तो कहा जाता है नगर निगम से ले लो, हम नहीं देंगे। जितेन बहेलिया ने कहा, मेरे पिता ने दुकान नहीं बेची है, आप झूठ बोल रहे हैं। यदि बेची होती तो घर के सभी लोगों को बताते। इतना ही नहीं, नगर निगम से दस्तावेज मांगा तो कहा कि पुराने हैं, फाइल तलाशनी पड़ेगी। कई बार आवेदन देने के बाद अब जाकर दस्तावेज मिले। दस्तावेजों की जब जांच की गई तो उसमें शपथ पत्र ही फर्जी निकला। जितेन बहेलिया ने कहा, मेरे पिता की मृत्यु 26 मार्च 1995 को हो गई थी। शपथ पत्र 14 मई 1996 को कैसे बन गया और 3 जून 1996 को नोटरी ने कैसे प्रमाणित कर दिया? जितेन बहेलिया का कहना है, दुकान को फर्जी तरीके से खरीद दिखाकर बीना मिश्रा ने अपने नाम नामांतरण करा दिया। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक थाना सिविल लाइन नगर निगम से की गई है। मांग की गई इस पूरे मामले की जांच कराकर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मेरे पिता द्वारा ना तो कभी दुकान बेची गई थी, ना ही दुकान की बिक्री करने के बारे में उन्होंने कभी सोचा था, लेकिन किराएदार के रूप में बैजनाथ मिश्रा ने फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर अपनी पत्नी के नाम नामांतरण करा लिया। मामला कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में बनी दुकानों का है। तमाम आला अधिकारी इसी जगह पर बैठा करते हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, यह तो दस्तावेज देखने के बाद अपने आप ही साबित हो जाएगा। फिलहाल जिस तरीके की जानकारी छनकर आ रही है वह काफ़ी संशय पैदा करने वाली है। अब देखना है प्रशासन इस मामले को किस तरीके से निपटाता है। नाम से दुकान दिया है तो मैंने कई बार कहा जाए कि उनको बोला है कि सर एक काम करिए, मेरी दुकान है और मेरे पापा के नाम की दुकान है, आप मेरे साथ गलत किए हैं। क्योंकि वो तुम्हारा बड़ा भाई आता था मेरे, हमसे पैसा लेके जाता था, अभी भी लेके जा रहा है। हाँ, ज्यादा करोगे तो कहा जाए तुम्हारे बड़े भाई को हम खत्म कर देंगे। हम कहें सुनो, मेरे बड़े भाई को खत्म करने के लिए तुमको औकात चाहिए था? कहें कि नहीं, तुम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई को जरूर हम ऐसी कहते हैं, वो तो दारू पीता ही रहता है, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जिस दिन के कहा जाए कि हम चाहेंगे तो आपके नाम से रिपोर्ट कर सकते हैं इसमें। मतलब वो धमकियां देते रहते हैं जी। घर में भी क्या जाके धमकी उनकी देना ऐसा कुछ नहीं? घर में तो कहा जाए कि अम्मा से बोल, मम्मी से हम मेरे बताई हैं, वकील साहब की कहा जाए कि आप बाहर निकलिए, जो कहा जाए कि दुकान है रमेश कुमार बहेलिया के नाम से, वो दुकान कहा जाए कि 1996 में मेरे नाम से अलाट कर दिए थे। तो मम्मी बोली कि कहा जाए कि रिंकू के पिताजी अभी दुकान ये अलाट नहीं हुआ है। हाँ, जब तक हम जिंदा हैं वो दुकान किसी को बेच ही नहीं सकते हैं।